वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं बावड़ी, नीमराना बावड़ी। और अपने साथ है हमारे भाई साहब पत्रकार और भाई। आज 16 मई है और ये राजा पृथ्वीराज चौहान की जयंती का प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी आपको बाइक पे तलवार लेके दिख रहे हैं, सारे राजपूताना लोग हैं। फटाके फोड़ रहे हैं उल्टे से। तो ये है बावड़ी, पहुंच चुके हैं और यहाँ चल रहा है काम वगैरह चल रहा है अभी। और वो रहा महल, पृथ्वीराज चौहान का महल। तो ये रेलिंग का काम चल रहा है यहाँ। पहले यहाँ कुछ काम नहीं था, वैसे ही था बिल्कुल। अब यहाँ काम करवा रहे हैं सारा, बिल्कुल बढ़िया वाला काम एग्जैक्ट। पहले कुछ नहीं था, सब बहुत बुरा सांग रखा था यहाँ। और पक्षियों की चहचहाट सुनिए। यहाँ पहले रानियाँ नहाती थी। पर महल दिख रहा है, उस महल से यहाँ नीचे सुरंग थी यहाँ पे आने की। यहाँ पे आके रानियाँ स्नान करती थी यहाँ पे। तो ये जो अभी जो रेलिंग दिख रही है, अभी लगवाई हुई है, अभी कराए काम। ये सारा काम अभी करवाया हुआ है, रिनोवेट करवा रहे हैं इसको। हाँ, पेड़ है ऊपर जाने का, अभी तो बंद कर रखा है। बनावट मतलब लुक वाइज कितना प्यारा लग रहा है। या पीछे की साइड जा रहे हैं रास्ता। और ये देखिए पत्थर कितनी साल पहले का बना हुआ है। हाँ, कितनी साल पहले का है। और आज भी एग्जैक्ट ऐसे लग रहा है आज ही मतलब काम किया हो थोड़े दिन पहले ही। क्यों क्यों है? हाँ, देखिए वो लग रही हाइड्रा, ट्रक में से उतार रही है पत्थर को, ट्रक में से पत्थर उतार रही है। तो यहाँ के साफ सफाई चल रही है, जेसीबी से कर रही है साफ सफाई। और हुआ ये मशीन लगा रखी, इससे नीचे भेज देते यहाँ से। ये मशीन तब लगाई होगी, पहले टाइम पर ना होगी। तो यहाँ से पानी खींच के और नहाते थे नीचे। नीचे पानी आज भी है कुएं में, एक कुएं का आगे देख कुंड है, पानी रहा है नीचे आगे कुंड। ये चार दीवारी का रखी अब इस पे, इसमें रहता था पानी नहाने के लिए। पावड़ी में पहुंच गए हैं। यहाँ खड़ा है ये रहा नीमराने के बावड़ी तहसील में। तो ये सीढ़ी है, सीढ़ी दूर से ऐसे लगता है। तो ये 1740 में बनाई थी राजा मान सिंह ने ये बावड़ी। दूर से ऐसे लग जाए जमीन से बिल्कुल बराबर है, पर इसमें 250 फीट गहरी है ये नीचे। 250 फीट गहरा है ये, गहराई काफी है। सीढ़ियां जो है ये, इसमें 170 चरण है, 170 चरण है इसमें। 170 चरण का मतलब पैड़ियां, 170 पैड़ियां हैं यहाँ पे। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना तो ये सीढ़ी होती जाएगी। हाँ, दिख रहे हो क्या आपकी वीडियो? अभी फिलहाल चौड़ी है और जैसे नीचे नीचे जाएंगे सीढ़ियां बिल्कुल भीड़ भीड़ होती चली जाएंगी। और एक मंजिल की, एक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। ये देखो कलाकृति देखिए, यहाँ से और वहाँ तक की ऊंचाई 20 फीट, नीचे से लेकर ऊपर तक की 20 फीट है। ये बावड़ी में है जो 9 मंजिला इमारत है ये, और हर कमरे इमारत में कमरे बने हुए हैं। जैसे कोई आए तो, हाँ, तो रह सके। जो मतलब जो राजा महाराजा थे उनके वो थे, यहाँ रहते भी थे। और अब जो आए वो यहाँ आराम कर सके, अभी तो कमरे रेनोवेट कर रहे हैं। इनका इस्तेमाल जैसे गई थी ना, गर्मी रहती तो नीचे है, नीचे ठंडा रहता था, आराम करने के लिए थे बिल्कुल, ताकि गर्मी ना लगे। यहाँ पे पेड़ बिल्कुल भीड़ी भीड़ी होने लग गई, ऊपर से आ रहे थे नीचे की साइड, तो वहाँ वो चौड़ी पेड़ियाँ थी और अब कंजस्टेड है, पेड़ियाँ होती जा रही है बिल्कुल भीड़ी भीड़ी। बावड़ी की लंबाई जो है 250 फुट है और चौड़ाई 81 फीट है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना ठंडी होती जाएगी, जैसे नीचे जा रहे ठंडा लग रहा है बिल्कुल। और ये देखिए व्यू कितना मतलब पुराना है, पर फिर भी कितना
अच्छा व्यू आ रहे हैं। पक्षी देखो कितने हैं, पक्षी देखिए चहचहाहट, बहुत मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही, बिल्कुल ठंडा लग रहा, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बिल्कुल ठंडी वाली। और यहाँ पानी पानी है, यहाँ नहाती थी ये, जो देखो ना पेड़ दिख रहे हैं आपको, सामने पेड़ दिख रही है, ये सामने पेड़ है, ये जो सामने ये जो सीढ़ियां पड़ी है, ये पड़ी है, या ये स्विमिंग पूल था, ये स्विमिंग पूल था, रानियां नहाती थी यहाँ पे, बिल्कुल ठंडा रहता है, ठीक है। और नौ इमारतें हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और सबसे ऊपर वाली नौ, नौ इमारतें हैं ये। और यहाँ पे बिल्कुल ठंडा, जैसे एसी सा लग रहा हो। तो अभी चलते हैं नीचे, यहाँ पे पक्षियों की चहचहाट बहुत ज्यादा है, और नीचे जाते जा रहे हो उतना ही ठंडा ठंडा लग रहे हैं। यहाँ पानी की वो है ठंडा की वजह से दीवारों पे भी काई लग रही है। और नीचे जाने का ही, चलो, बिल्कुल ठंडा लग रहा है, पानी तो आ रहा है कहीं से, तो पानी है भाई, ठंडा तो रहने का मतलब पानी है, यहाँ पे पानी है, पानी तो है कहीं से, पानी आ रहा है, इतना ठंडा रह रहा है, हाँ हो सकता है बारिश का, हाँ बिल्कुल बारिश का है भाई, तो बारिश आया होगा ये पानी, तो ये गीला बारिश की वजह से है ये, तो बिल्कुल ठंडा है। हाँ और भी कह रहा है, ये मिट्टी हो गई, ये शायद सफाई चल रही है, यहाँ की रेनोवेट कर रहे हैं, हाँ रेनोवेट कर रहे हैं। और वो देखो सामने क्या है, ये सामने वो कुआं जो हमने बाहर से दिखाया था, इस साइड पानी भरा हुआ है कुएं में, आपको आगे चल के कुआं दिखाते हैं, जो ऊपर से अपने कुआं दिखाया था, हाँ ये पेड़ी है, आगे चल के आपको दिखाते हैं कुआं, चल रहे अंदर आपको दिखा रहे कुआं, ये है वो कुआं जहाँ से पानी, जिस पानी से रानियाँ नहाती थी, अब तो काफ़ी गंदा हो रखा है। ये देखिए कुएं की ऊंचाई, बिल्कुल ठंडा, चमगादड़ भी है यहाँ तो, बहुत ज़्यादा चमगादड़ है, हो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, हवा बड़ी ठंडी आ रही है भाई, इस साइड से हवा बहुत ठंडी आ रही है, बहुत प्यारी बहुत ठंडी हवा आ रही है। पर ये पत्रकार और आसू दोनों आ रहे हैं, 13 इमारतें, तो 13 इमारतें हैं यहाँ। ये पानी रहता था, तो पानी यहाँ से चल के और इसमें आता था सामने, तो ये और भाई हैं जो बावड़ी को देखने के लिए आ रखे हैं यहाँ पे। और यहाँ से हवा बिल्कुल ठंडी चल जाती, बिल्कुल एसी सा लगा रखा, एसी को भी माफ कर दिया भाई, वो ठंडी हवा। ये जो है ना ये रास्ते, ये बनाने का ये रास्ते नहीं, ये सुरंग है, सुरंग बंद कर रखी है, ये सारी ये दिख रही, ये सारी सुरंग है, ये सुरंग बंद कर रखी है, ये सुरंग थी सारी का काम, ये पहले भी खुदाई का काम चल, ये सारी दब रही थी नीचे, वो ऊपर तक वहां तक थी, अभी नीचे दा इसको साफ कर रहे हैं मिट्टी को, इसके नीचे तीन और दबे हैं, तीन और है इसके नीचे इमारतें, वो टाइम से आता था, साफ सफाई चल रही है इसीलिए लगा रखे हैं ये। और ये देखो यहाँ का नज़ारा, तो ये 1740 में बनाई थी और ये आज भी वैसे ही बरकरार है, मतलब उस टाइम पे इतनी पुरानी 1740 में बनाई हुई और आज भी वैसी ही है, चुन्ने पत्थर से बनाई गई थी, कुछ कुछ जगह पत्थर टूटे हुए हैं बस, नहीं तो आज भी ऐसी मजबूताई से खड़ी है। अच्छा भी भाई बस यहाँ से ऊपर देखो, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, व्यू भी प्यारा है, दिख रही सुरंग है जो खुली रहती है, अभी तो ये वाली तो सारी बंद कर रखी है सरकार ने, और ये सुरंग है जो खुली है। तो गाइस सामने देखिए, ये देखिए ये गुच्छा, ये जो गुच्छा है चकचुंदर का है,
जो बैटमैन बोलते इंग्लिश बैटमैन और हिंदी होता है चकचुंदर। और ये ऊपर देखो मधुमक्खियों का छत्ता लग रहा है, पर नीचे चकचुंदर रहेंगे ताकि, क्योंकि ठंड है बिल्कुल, तो चकचुंदर ठंडे में तो रहते हैं बिल्कुल, और अंधेरे के अंधेरा भी रहता है और ठंडा भी है, तो चकचुंदर के हिसाब से उनका माहौल ही बहुत बढ़िया है यहाँ पे, ठंडा और अंधेरा, पक्षियों की चहचहाट बहुत प्यारी लग रही है यहाँ पे, मतलब रुक के ही बड़ा मन प्रसन्न हो रहा है, पक्षियों की चहचहाट भी सुन रही है, ठंडे ठंडे हवा भी लग रही है, बड़ा मनमुग्ध हो रहा है। मतलब गर्मी में महल पे ऊपर पहाड़ पे रहते थे तो गर्मी लगती थी, पहाड़ पे गर्मी रहती थी, तो यहाँ अपनों ने ये बनाया, यहाँ अब इतना ठंड है तो उस टाइम पे तो बहुत ही ठंड होगा, वहाँ पे तो परमानेंट पानी रहता था, उस टाइम का तो नजारा ही कुछ अलग होगा, अब तो यहाँ पोल्यूशन इतना था। तो राजा ने मतलब हर तरह की वो एसी को फेल कर रखा है। हाँ बिल्कुल, उस टाइम भी फुल एसी जैसे मजे थे राजाओं के लिए। और फिर इसको बनाना, 13 इमारतें करना, कोई मजाक तो है नहीं। और ये व्यू देखो कितना प्यारा है, दिखाओ कितना छोटा गुंडे ना, अभी और गहरा है ये, तीन इमारतें और दबी हुई नीचे, अभी खुदाई चल रही है, इसकी निकाल रहे हैं। हाँ आगे टाइम बिल्कुल साफ हो जाए तब आपको दोबारा दिखाएंगे, एक बार कुंड निकल जाएगा सबसे नीचे वाला दब, ये देखो हाथ का रासू, इतना छोटा सा कुंड है, पानी का चौबे तक लेके जा रखा था राजा ने इसको, होने के बाद दिखाएंगे वो भी, अभी तो फिलहाल सफाई है नहीं, गुरुओं का ये शासन था अभी तक, अब इसको कह रहे सही, प्रेमी जोड़े आते थे यहाँ पे, वैसे कोई ऐसी जगह नहीं छोटा की जहाँ किसी ने अपना नाम ना खोद रखा हो, हर वैसे नीचे जाने में जितने मजे आए थे अब ऊपर जाने में उतने ही पसीने आ रहे हैं, क्योंकि नीचे ठंडा था अब ऊपर आते जा रहे हो गर्म होता जा रहे हैं और पसीने आते जा रहे हैं, धूप की वजह से ऊपर गर्मी भी हो गई बुरी तरह, धूप है चल रहे ऊपर, सांस फूल रही बढ़िया वाली, बोला भी नहीं जा रहा दोनों एक दूसरे पकड़ के चल रहे हैं। तो ये देखे गाइस, तो गाइस ये कमरे हैं, उससे ना रहती थी या फिर जो लोग रहते थे वो यहाँ रहते थे, ये जाके देखने के लिए पर्यटक और आ गए बावड़ी को देखने के लिए, सारे बावड़ी को रेनोवेट कर रहे हैं नीचे तक, ऊपर लेके नीचे तक, नीचे भी आपको दिखा रहे काम चल रहे है, 3 मंजिल वो दबी हुई हैं चल रहे, सारा रेनोवेट कर रहे हैं इसको। तो फिलहाल बावड़ी से बाहर जा रहे हैं जो इनके, अभी उनको और दिखाएंगे आपको, मंदिर थे ना, मंदिर थे कुल देवता के मंदिर, और दिखाते हैं अभी अपनी यूट्यूब फैमिली को, रेनोवेट हो रहा है यहाँ पे, शायद आगे कोई देखने आएंगे तो टिकट लगेगी, टिकट लगा करेगी आगे से। दो मंदिर जिनके कुल देवता के हैं पुराने, ये माता का मंदिर है और ये है जो, ये है भैरव बाबा का मंदिर, जय हो बाबा, ये भैरव बाबा का मंदिर है, अच्छा 1.5 किलोमीटर दूर है बावड़ी से, सुरंग थी, सुरंग से रानी आती थी, फिलहाल तो सुरंग बंद कर रखी है क्योंकि काफ़ी लंबी वो थी सुरंग, और उस टाइम पे ऑक्सीजन का कुछ प्रोसेस था, ऑक्सीजन लेने के लिए ना बीच बीच में पाइप थे, हाँ पाइप थे बीच में, फिलहाल वो डैमेज हो चुके होंगे, बंद हो चुके होंगे, सुरंग का काम कर रखा है बंद, और वो रहा महल। तो ये महल है पृथ्वीराज चौहान का, जो फिलहाल ये रेनोवेट करके और होटल बना चुके हैं, अब इसका 30 साल के लिए लीज पे ले लिया ये। तब जा रहे हैं वापस अपने गाड़ी के पास चलते हैं, अभी धूप भी काफ़ी है और घूम लिए यहाँ पे। तो ये रहा बावड़ी का बर्ड नीमराणा, और वो खड़ी अपनी ब्लैक बेस्ट, तब चलते हैं अपने वापस। वीडियो अच्छी लगी हो अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बंदा नया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पास भी सब्सक्राइब करवाएं और शेयर भी करें, चैनल को शेयर भी करें, वीडियो को भी शेयर करें, और अपना प्यार देते रहें, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आप लाते रहेंगे और भी काफ़ी लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।